पक्षमा बालही ते बाल चाले पक्षमा बालही सहन्नेन उक्तेहि बद्धायने कुदे दुर्नाम भी ही उदावर्ते ही अन्ये ही वा अंतरोपलोपी भी वर्चह पित्तर कपान रुद्धा सुरुति कुपितो पनिलहा अपानो जटरम तेना स्युगो दाहत्रुड ज्वरक्षवाह कास श्वास उरु सदनम शिरो रुद नाभि पायु रुद मल संगो अरुचि चर्दी उदरम मूड मारुतम स्थिर नीला अरुण सीरा राजी न धमराजीवा नाभे उपरिच प्रायो गोपुचक्ति जायते निकल तो उसका घर में डाला था वो बाल है तो उसने बाल निकाल के वो उसका स्पेसिमेन बनाया था तो कर्तरी में निकाला थे कि हमारे पास पेशेंट था वो चावल खाता और भी कुछ है कि जाते हैं चावल खाते या साउकर रहे थे बैठे बैठे शेंगदाने खाते बैठे बैठे मुरमुरा खाते कई कई साहूकार तो तांदूल खाता धान्य खाता गेहूँ खाता बैठे बैठे तो पापने पापनी के केस या बाकी के जो बाल है वो अन्न के साथ अगर खाए गए या मूल व्याधि के कुंभ से या उदावर्त की वजह से या खाना खाना खाया हुआ जो यंत्र को चिपक जाता है उसकी वजह से अगर गुद बंद हो गया बाहर जाना ही बंद हो गया तो अपान वायु कुपित होके मल को पित्त को कफ को इनको रुका के उधर इसीलिए तृष्णा दाह ज्वर प्रतिष्ठा कास श्वास सदनम शिरो रुक नाभि पायु रुके जगह पे वेदना मलावरोध अरुचि वांति ये विकार होते हैं वायु जो है स्थिर बन जाता है निश्चेष्ट बन जाता है और वहां पे उसको सिरा बन जाती है उसको बद्ध बुद्ध वो पूछा कैसे शिफ्टिंग जैसे ऐसा बन जाता है तो बद्ध बुद्ध हम पढ़ रहे तो कल बच्चा आया था उधर वो कितना उसका पेट ऐसा निकला हुआ सिर्फ बस्ती वाला है बस्ती से सिर्फ मात्रा बस्ती से पेट वो बच्चा आगे निकल मुझे लगता है एक 2017 की 16 की बात है मेरे पास फर्स्ट स्पेशल चाइल्ड आया था पहला अभी तो रोज हमारे पास नए स्पेशल चाइल्ड आ रहे हैं रोज नए कैंसर आ रहे हैं देखिएगा अलग अलग कैंसर देखने को मिल रहे हैं वो पहले पहला स्पेशल चाइल्ड आया था मेरे पास और तो पता ही नहीं था डॉक्टर अरे बस्ती देना सिंपल है वही छोटे बच्चों को इतने को बस्ती देना ये कभी ध्यान में नहीं हम पढ़ते छात्र को कुछ नहीं देना नशे नहीं देना अंग्रेजन नहीं देना कुछ नहीं देना सरेंडर अफेक्शन है दे उसको दी थी बस उधर वाला था तो वो काफी जल्दी ठीक हुआ था चल नहीं पा रहा था तो चलना शुरू हुआ था उसका तो इतना अच्छा काम करते हैं हमारा जो सिंपल सिंपल प्रिंसिपल्स रहते हैं अस्थि आदि शल्यैः स अन्नैः च भुक्तैः अत्याशनेन वा मींस क्या अस्थि आदि शल्य खाए हैं मींस क्या मछली खा रहे हैं मछली का काटा गया है या कुछ हड्डी गई है नॉनवेज खाते समय पेट में या कोई शल्य गया है खाते समय पेट में गया है जैसे एसिड भी जाता है शल्य ही है बाकी कुछ खाया है जैसे पीन खाई है बच्चे खाते हैं क्रीम खाते हैं जो भी खाया है आदि शल्य ही स अन्न ही अन्न के साथ खाया है अब मुक्ते ही अन्न नहीं खाया फिर भी ऐसे शल्य खाए हैं वह अत्यशनेन च बहुत ज्यादा खाना खाया है विद्यते पच्यते वा अंतरपुत इसी की वजह से अंतर फट जाता है तो छिद्र स्रवण बनी वहां पे छिद्र बन जाता है और उसका स्राव बाहर निकलता है तो कभी आपने परफोरेशन का इंटेस्टाइनल परफोरेशन का पेशेंट देखा होगा
इतना छोटा सा रहता है कॉर्पोरेशन, तो कभी कभी एक्सरे में दिखता ही नहीं, सीटी स्कैन में दिखता है वो, या बाहर बाकी के कंडीशन के वजह से, पेरिटोनाइटिस के वजह से वो पहचाना जाता है। ग्रंथ समय तो पता है इनको, कैसे पता चल? विद्युते पद्यते वांतरम तत् छिद्रस्य श्रवण बहि आमयव बुदादेति ततो अल्पाल्पम स विद्रसः तुल्यः पुनः गन्धेन पिच्छिद पीतलोहित अयित पीतलोहित शेषश्चार्पूयं जठरं जठरं घोरम आवहेत वर्धते तदतो नाभे आशु वैति जलात्मता उद्रिक्त दोषरूपं च व्याप्तं च श्वासतृढ भ्रमहि छिद्रोदरम इदं प्राहु परित्राविति चापरे। पद बन जाता है उसको जो है प्रेत जैसा, उसको गंदा आता है जो पेट में स्रवता है और पूरे पेट में घूम के भयंकर उधर बन जाता है। पेट है नाभि के नीचे पड़ जाता है, उसमें जल संचिति बहुत जल्दी होती है और इसीलिए कुपित हो रहे तीनों दोषों की लक्षण वहां रहती है उसको छिद्रोदर और परित्राग उदर, ऐसा लोग कहते हैं। इतना वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं क्योंकि आइसक्रीम नहीं जाने जाते। प्रभु का स्नेह पाना देहे सहसा आमांबु पाईन अत्यंबु पानान मंदाग्ने क्षीणस्य अति कृशस्य वा। कल मैं वो एक देख रहा था, वो कंपैरिजन बता रहे थे डिस्कवरी में, कल बात तो देख रहा था, वो कंपैरिजन बता रहे थे कि जो कुत्ते को डायबिटीज होता है, चिड़िया को डायबिटीज होता है, तो देखते हैं डायबिटीज इंसुलिन का डोज ले रही है चिड़िया पर बैठना ज्यादा घूमती नहीं है, छाती को भी डायबिटीज नहीं होता है, इंसान को क्यों हो रहा है? तो वो डिफरेंशिएट कर रहे थे शरीर के अनुसार पानी पीने की कंडीशन बता रहे, जैसे कि कुत्ता पानी पीता है उसका वीडियो बता रहे थे, वो टंग निकाल रहा था ऐसे ही करके वो पानी पी रहा था, समाप्त करते हैं सब पति खत्म हो गया उसका था। मनी मैं तुषी जी भी उसे चुपक 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 करके पी के खत्म हो गए। ये जो चिड़िया थी वो चिड़िया चोंच डाल रही थी, इतना सा पानी नहीं रही थी 0.2 ml और पानी पी रही थी, उधर उधर देख रही थी, बीच में डाल के पानी पी रही थी, इधर उधर देख रही थी, उड़ गई। आदमी दिखाया उसने, उसने लोटा लिया है और सब पानी पिया है, खाते समय पानी पिया है, यूट्यूब देखते समय पानी पिया है, हाइड्रेशन के लिए पानी पिया। तो ये जो आदत लगी है, खाना खाते समय भी पानी पिया, खाना खाते समय पानी पीना नहीं, या अल्पम अल्पम रखा है डाइजेशन के लिए जितना चाहिए। तो वो डिस्कवरी चैनल पे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये जो मॉडर्न साइंस कहता है कि वो बहुत ज्यादा पानी पियो, क्यों भाई? क्यों नहीं तो किडनी खराब हो जाएगी। तो ये इनका कभी दिखा है चिड़िया को डायलिसिस कर देती है, या कुत्ता गया है डायलिसिस के लिए? नहीं, ये सारी बातें जो है अत्यंबु पान के लिए आई, यहाँ अत्यंबु पान आया है, हमने देखा है अर्शन में भी आया है, सीताम सेवन आया है, अत्यंबु पान आया है, सूत्र स्थान में भी आया है, न अंबु पे मशक तस्पल पल प्रजीर बैगुल माधी भी ही ऐसा आया है। तो अत्यंबु पान है वो देखना है क्या दिया है। अत्यंबु पानात मंदाग्नि क्षीणस्य अति कृशस्य वा, मीन्स जिसका मंदाग्नि हुआ है, जो क्षीण हुआ है, जो कृश है, ऐसे व्यक्ति ने अगर अत्यंबु पान किया है, रुद्रांबु मार्ग अनिलः कपश्च जलम उचित
वर्धयताम तदेवाम्बु तत्स्थानात् उदराश्रित ही, वो बढ़ जाता है, वो उदरा पे आश्रित करता है, ततः स्यु उदरम, वो जलोदर कहते हैं उसको, तृष्णा उदर श्रुति रुजा युतम कात श्वास अरुचि युतम नाना वर्ण सिरादतम तोय पूर्ण श्रुति स्पर्श शब्द प्रक्षोभ वेपतु दकोदरम महत्निकम सिरम आवृत नाभि। हमें जो असाइसिस के पेशेंट मिलते हैं वैसे पेशेंट रहते हैं, यहाँ पे दकोदर हम कहते हैं उसको, जलोदर कहते हैं, तो ये बढ़े सिग्नल स्थिर और उसकी जो नाभि ऊपर बढ़ जाती है उसको जलोदर हम कहते हैं। जातोदर का अवस्था का लक्षण है सारे उदर यहीं पे आते हैं, पेशेंट हमें यही मिलते हैं, उदर वाला पेशेंट हमें पहले नहीं मिलता है, जब पेट खुल के आता है कॉलेज में प्रेगनेंसी जैसा लेके आता है, स्थिर आए रहते हैं वहाँ पे और हाथ में दारू की बॉटल रहती है और वैसे आ जाते हैं। अब ये इनको अगर उपेक्षा की जाए चिकित्सा करनी चाहिए सब कुछ, उधर में तो हमेशा विरेचन होना चाहिए, फिर तो वहाँ पे जल निकालना ही उसको बाहर है, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए नित्य विरेचन कहा गया है, उधर तीक्ष्ण विरेचन बताए गए, उधर में उधर नहीं है वो हमारे पास के मैं बताता हूँ, तो इस लोग हमारे पास है उपेक्षा या सर्वेशु, ये सब उपेक्षा किया दोषा स्वस्थाना तत्चुता पाका द्रवा द्रवी कुर्युः संधि स्रोत मुखानि अपि श्वेतस्य बाह्य स्रोतसु विहितः तिर्यकार्थितः तदेव उदकम् आत्माप्य पिच्छा कुर्यात् तदा भवेत् गुरुदरं स्थिरं वृत्तं महतं च न शब्दवत् मृदु व्यपेत राजिकं नाभ्यां स्पृष्टं च सर्पति तद् अनुदक जन्मास्मिन् उक्षी वृद्धि ततो अधिकम् तीरांत अर्दानम उदकम जठरोक्तम च लक्षणम। किसी भी उदर की अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई तो स्वस्थान से निकले हुए दोष जो है वो पक्व बन जाते हैं और उसकी वजह से वो संधि स्रोतों इनको भी वो पक्व कर देते हैं, बाह्य स्रोत बंद होने के कारण श्वेत फिर से पेट में जाके वो पानी बढ़ाता है, श्वेत भी नहीं आता इसके लोगों को, तो असाइटिस के पेशेंट को पसीना आता है क्या ये पूछना बहुत जरूरी है, और वहाँ पे पिच्छा उत्पन्न करता है उसी समय वो पेट गुरु स्थिर ऐसा वक्र बन जाता है, अंगुली से ऐसा मारेंगे तो उसका आवाज भी नहीं आता है, मृदु बन जाता है, उसके जो वली है वो नष्ट हो जाते हैं और उसको नाभि पे हम अगर स्पर्श करेंगे तो वो घूम रहा है ऐसा लगता है और वही जलोदर की लक्षण कहा गया है। वात पित्त कफ प्लीह सन्निपातो उदरम कृच्छम यथोत्तरम, वात से पित्तोदर कष्टदायक है, पित्त से कफोदर कष्टदायक है, कीलोदर है, सन्निपातोदर है, उसके बाद सबसे ज्यादा जलोदर कष्टदायक और हमारे पास कष्टदायक ही पित्तोदर जलोदर पक्षात परम प्राय परे असर मध्योदर और क्षतोदर हो गया है तो मर जाता है, आजकल नहीं मरते क्योंकि एलोपैथी की टेक्नोलॉजी की वजह से तुरंत ऑपरेट कर सकते सर्वम से जात शरीरम रिष्टो उक्तो पत्रवान्वितम जात शरीरम अगर जात पानी बन गया है तो असाध्य है, मारेगा तो मारेगा ही अगर ये तो नहीं बन सकते तो अल्कोहलिक पेशेंट है, एसआईटी वाला है, अल्कोहल